जादवपुर यूनिवर्सिटी की इस घटना ने पूरे बंगाल को चौंका दिया है, जिसे लेकर अब पूरे बंगाल में रैगिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा जादवपुर यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ स्टूडेंट ने भी रैगिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान छात्र ने कहा कि उनके साथ भी कई बार रैगिंग हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि कई सालों से यहां रैगिंग होते आया है। इसके साथ उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। स्वागत है बिग न्यूज में, मैं हूं सपना आपके साथ और इस वक्त हम मौजूद है जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने। जी हां, यही ये यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल की जानी मानी यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जहां से एक ऐसी घटना सामने आई है जो पूरे पश्चिम बंगाल को झकझोर कर रखा है। दरअसल घटना जादवपुर यूनिवर्सिटी से एक छात्र की है जो हॉस्टल की दूसरी मंजिल से गिर कर उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान स्वप्नदीप कुंडू के नाम से हुई है, जो मात्र 18 साल का स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का, जिसकी ऐसा कहा जा रहा है उनके परिवार से, मृतक के जो परिवार है उनके माता पिता और उनके दोस्तों का आरोप है कि उसकी जो मौत हुई है उसकी मौत इस वजह से हुई है क्योंकि उसके साथ रैगिंग किया गया था। उसे कॉलेज के हॉस्टल के छत पर नंगा करके भगाया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अब इसे लेकर पश्चिम बंगाल में हर जगह जगह हर एक यूनिवर्सिटी से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मिचिल निकाला जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद है जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने, जहां पर डीन ऑफ स्टूडेंट की तरफ से एक मिचिल निकाला गया था। इसका विरोध किया गया था कि स्टूडेंट के ऊपर रैगिंग भी किया जाता है और ऐसा भी कहा जाता है जो लोग अंधे हैं, जो अपने शरीर से चल नहीं पाते, जो लोग अपाहिज है उन लोगों के ऊपर भी यहाँ पर रैगिंग किया जाता है। ये जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, लोगों का सपना होता है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, बहुत मुश्किल से कुछ लोग यहाँ पे पहुँच पाते हैं और आज ये दिन आ गया कि लोगों के मैंने छात्रों के ऊपर रैगिंग किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों को जैसे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अभी? ये हम लोग जब एडमिशन लिए थे 2017 में, वो हम लोग देखे थे कुछ दिन हमारे ऊपर भी वो हुआ था रैगिंग, तो 7 दिन हम लोग ये इसको संभालने के बाद हम लोग ये ऑब्जेक्शन किए थे। तो ऑब्जेक्शन करने के बाद हम लोग ये देखे कि जो हमारा जो अथॉरिटी है वो एक्चुअली जो करता है वो एक्यूज को सेव करता है और जो विक्टिम होता है उसको ज़्यादातर से क्वेश्चन होता है कि आपके साथ रैगिंग हुआ है, कैसे हुआ है, क्या आपको इसको रैगिंग बोल सकते हो, क्या ये सिंपल एक झमेला है, ये बहुत सारे क्वेश्चन ये लोग करते हैं। मगर हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो सपनादीप का हत्या हुआ है, वो जो सपना वो टूट गया है उसका, तो ये आज का एक इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत दिन से हो रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे स्टूडेंट ये यूनिवर्सिटी छोड़ कर चला गया है, बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल छोड़ कर मेस में रहने शुरू कर दिया है, तो बहुत सारे इंसिडेंट हम लोग देखे हैं और अथॉरिटी का इसमें कोई भी इसका सिंसियरिटी नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमका स्पेसिफिकली 3 दाबी है। ये हम लोग फर्स्ट ईयर को पहले अच्छी तरह से ये एटमोसफियर दें, जिस तरह से वो लोग यूनिवर्सिटी में मूव करें, ये जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, और डीन ऑफ स्टूडेंट वो उसका जो ये वो जो रहता है ये जो पद रुक कर रह रहे हैं बहुत दिन से, ये 2023 तक उसको अभी हटना होगा, उसका जो ये रेजिग्नेशन से उसको रेजिग्नेशन देना होगा, और जो एंटी रैगिंग कमेटी है और एंटी रैगिंग जो स्क्वाड उसको हम लोग नहीं मान पाते क्योंकि ये UGC का जो रूल्स रेगुलेशन वो मानकर नहीं हुआ है। जैसे आपने अभी कहा कि ये घटना पहले भी बहुत बार हुआ है, तो पहले ऐसा कुछ मामला क्यों नहीं आया था? मामला क्यों नहीं आया, ये हुआ है कि पहले तो उसका अथॉरिटी का एक्चुअली एटीट्यूड यही होता है को वो उसको हम लोग ढाक जाए, अगर रुक जाए हम लोग समझ लेते हैं ये तो भीतरी का बात है, ये मेरा घर का बात है, ये बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी का बात है, ये हम लोग समझ लेंगे ये, क्योंकि ये यही में अथॉरिटी और स्टूडेंट का एक ज़्यादा रिलेशन है, इसमें हम लोग कहते हैं कि
ये समझ लेंगे। और छूट छूट का रकूस केस मीडिया में आया था, मगर ये बड़ा कुछ तो नहीं हुआ ना, जिंदगी तो नहीं चल गया, इसलिए किसी का भी कोई हेल दोल हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये तो एक रोग है, अगर ये तो है ऑर्गेनाइज क्राइम। आप लोग ये सोचिए कि जो क्राइम हुआ है, क्राइम होने के बाद जो जिसने क्राइम किए है वो उसका जो इंफॉर्मेशन था वो उसको लुपट कर दिया है, तो ये रुक नहीं पाएगा। मगर हम लोग ये सोचते हैं कि अगर अथॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो तो ये जरूर हो पाएगा। যে বহুদিন থেকে হোস্টেলে হচ্ছে এটা কর্তৃপক্ষ জানে, তারপরেও তারা কোনো পদক্ষেপ নেয় না বলে এইসব ছেলেরা প্রশ্রয় পায় এবং র‍্যাগিং করে যাচ্ছে। এই যে একটা মৃত্যু হলো এইটাকে আমরা মনে করছি সংগঠিতভাবে মার্ডার করা হয়েছে এবং এর দায় কর্তৃপক্ষকেও নিতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ এই দায় নিয়ে যাতে নিজের পদ থেকে রিজাইন দেয় এটা আমরা চাইছি। এবং যারা এই প্রসেসের সঙ্গে যুক্ত, যারা যারা এই র‍্যাগিংয়ের সঙ্গে যুক্ত, তাদের প্রত্যেককে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। কোনো হোস্টেলের বোর্ডারশিপ ক্যান্সেল করে দেওয়া সমাধান নয়, তাদের কঠোরভাবে শাস্তি দিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কখনো এরকম না হয়, এটাই আমরা বলতে চাইছি। আর অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিটাকে পুনর্গঠন করতে হবে, কারণ এই কমিটি কোনো কাজ করে না। আমরা 6 বছর ধরে দেখে আসছি, কিচ্ছু হয় না। এফএসডি বহুদিন থেকে এই কমিটির কাছে যাচ্ছে র‍্যাগিং নিয়ে, কিন্তু কোনো রকমের কোনো কাজ হচ্ছে না। আমার নাম আরিফ। इस मामले से आक्रोश होकर जादवपुर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने भी रैगिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान उनका क्या कहना है वो भी देखते हैं। एक्चुअली जादवपुर यूनिवर्सिटी कर्मचारी संसद पक्ष থেকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং মুক্ত চাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো রকমের র‍্যাগিং করা যাবে না বলেই আমরা মনে করছি। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাছে আজকে ডেপুটেশন দিয়েছি এবং তাতে বলেছি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে র‍্যাগিং মুক্ত করতে হবে, আনওয়ান্টেড ঘটনা যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঘটছে সেগুলো বন্ধ করতে হবে। বতা দে কি আব র‍্যাগিং কে খিলাফ টিএমসি কে ভাইস প্রেসিডেন্ট জয়প্রকাশ মজুমদার নে সিপিআইএম পর নিশানা সাধতে হুয়ে ক্যা কাহা হ্যায়, আইয়ে দেখতে হ্যায়। रैगिंग तो नहीं होनी चाहिए, इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट एज पर प्रेजेंट इंडियन रूल्स। एंड जो कानूनी मुद्दा है, रैगिंग इज एन इलीगल एक्ट। जादवपुर में बहुत सारी रैगिंग लेके मुद्दा उठा था लास्ट 10-15 ईयर्स में। दुख की बात ये है कि ये जो स्टूडेंट लोग इधर में यूनियन बना के रखा है ना, जो है सीपीएम का और आधा है नक्सलाइट का, माओवादी का, ये दोनों बीच अपन ये लोग का खुद का बीच में तालमेल रख के ये लोग ये बना के रखा है। ये इधर में रैगिंग चल रहा है, चलेगा। नदिया जिले के रहने वाला स्वप्नदीप के परिजन और पूरे जिले के लोगों ने आज रैगिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। আমাদের দাবি হচ্ছে যারা দীর্ঘদিন ধরে মধ্যযুগীয় বর্বরতার এই র‍্যাগিং নামক যন্ত্রটাকে চালিয়ে আসছে, সেই যন্ত্রের অবসান হোক। নগ্ন যন্ত্র অত্যাচারিত নামক যে যন্ত্রটা নতুন নবাগত ছাত্ররা অনেক স্বপ্ন চোখে নিয়ে আসে। আমাদের ঘরের ছেলে স্বপ্নদীপও এসেছিল অনেক স্বপ্ন নিয়ে, কিন্তু তাকে অচিরেই মাত্র 3 দিনে তার স্বপ্নটাকে ভেঙে চুরে দলা মোচড়া করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ছেলে, ঘরের ছেলে, মাত্র 3 দিন এখানে এসে টিকতে পারেনি, তার নিথর দেহ ফিরে গেছে। तो इन सबको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और नया नया मामला यहाँ पे सामने आ रहा है खुलकर। और जैसे कि बता दें, अब तक की जानकारी में ये पता चला है कि पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है अभी इस मामले में। तो लगातार पुलिस अपनी जांच किए जा रही है और इस घटना से जुड़े आगे की जानकारी जानने के लिए बने रही है बिग न्यूज़ के पर्दे पर। कैमरामैन विश्वजीत के साथ सपना की रिपोर्ट।